हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई टेस्ट को जीतते ही टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज़। इस मामले में पाकिस्तान को पछाड़ा, जानिए पूरी खबर क्या है। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, भारत ने मयंक अग्रवाल की शानदार बल्लेबाजी और फिर स्पिनरों के जोरदार खेल के दम पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 372 रनों से हरा दिया। सीरीज का पहला मैच ड्रॉ होने और इस मैच में जीत दर्ज करने की वजह से भारत ने यह सीरीज 1-0 से अपने नाम की। भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने जैसे ही न्यूजीलैंड के आखिरी विकेट के रूप में हेनरी निकोलस को विकेट झटका, वैसे ही टीम को एक गुड न्यूज़ मिल गई। टीम इंडिया अब इस साल सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच जीतने वाली टीम बन गई है और उसने इस मामले में चीर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पछाड़ा है। दोस्तों, भारत ने मुंबई टेस्ट को मिलाकर इस साल कुल 7 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने साल 2021 में 6 टेस्ट जीतने में सफलता पाई है। हालांकि पाकिस्तान के पास भारत की बराबरी करने का मौका है, क्योंकि वह इस समय बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट का मैच खेल रही है। अगर वह इस मैच में जीत जाता है और उसके और भारत के इस साल टेस्ट जीतने की संख्या एक समान हो जाएगी। मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत रनों के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है। इसके अलावा घरेलू धरती पर रनों के लिहाज से भी यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले का रिकॉर्ड 337 रन का था, जो उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2015 में दिल्ली में बनाया था। इस करारी हार के साथ ही न्यूजीलैंड के भारत में सीरीज जीतने का इंतजार भी और बढ़ गया और पिछले 33 साल में भारत में टेस्ट मैच जीतने का उसका सपना भी टूट गया। यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा थी। दोस्तों, आज इंडिया ने कमाल करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। काफ़ी अच्छी इंडिया खेली, बैटिंग में भी काफ़ी अच्छा खेली इंडिया और बॉलिंग में भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। दोस्तों, उनकी मयंक अग्रवाल की जितनी बैटिंग की तारीफ की जाए उतनी कम है और बॉलिंग में आर अश्विन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको ये गुड न्यूज़ मिल सके। और कमेंट बॉक्स में इंडिया की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।